आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अखिलेश कुमार शुक्ला तिरसठ गिरजाबाद उन्नाव का निवासी हूं और 22 साल मैंने महार रेजिमेंट में रह करके देश की सेवा किया है और करगिल का युद्ध भी लड़ा है और वर्तमान में मैं जीविकोपार्जन करने के लिए रिलायंस डिजिटल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। 8 नवंबर 2016 रात 9 बजे बिल्डिंग के मालिक सीके त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, ये आए और दरवाजा खोलने के लिए कहा। मैंने दरवाजा खोल दिया, खोलने के बाद ये गाड़ी से नीचे उतरे और उतरने के बाद कहा कि मुझे सलूट मारो। मैंने सलूट मारने से इनको इनकार कर दिया तो इतने में ये भड़क गए। मैंने कहा मैं देश के सिर्फ तिरंगे को और भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अफसरों को ही मैं सलूट मार सकता हूं, बाकी मैं किसी को सलूट मारना लागू नहीं हुआ है क्योंकि मैं देश का सैनिक हूं। इतने में जब बहुत भड़क गए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बोलता है, इसको मारो। इतने में उनके लड़के और उनकी सुरक्षा में तैनात सरकारी गार्ड ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और गिरा करके लात घूंसों से मारने लगे। फिर पीछे से सीके त्रिपाठी और उनके ड्राइवर ने मेरे ऊपर लाठी और डंडे बरसाने लगे जिससे मुझे काफी चोटें आई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष सीके त्रिपाठी ने सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज को फोन किया। फोन करने के बाद सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज योगेश दीक्षित जी अपने दो हमराही सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना पूछे जांचे मेरे ऊपर आरोपियों के साथ मिलकर के लाठी और डंडे बरसाने शुरू किए और मेरे हाथों को और मेरे मुंह को जूतों से रगड़ने लगे। तो मैंने पूछा सर मुझे क्यों मार रहे हो, मैं भी देश का पूर्व सैनिक हूँ। तो बोला होगा सैनिक होगा, तेरे को अभी तेरी सैनिक गिरी मैं निकाले देता हूँ। और मेरे साथ मेरे मुंह में भी जूते रगड़े और रगड़ने के बाद वहां पर करीब सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सैकड़ों लोगों ने जब मेरे साथ इतनी बड़ी बर्बरता देखी तो इसका विरोध किया। विरोध देखते देख जो सिविल लाइन चौकी इंचार्ज योगेश दीक्षित के साथ दो हमारा सिपाही थे उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और उन्नाव कोतवाली ले गए। वहां पर मेरे खिलाफ इन्होंने जो है FIR दर्ज करवा करके मेरे ही खिलाफ मुकदमा कर दिया। आज मैं जिस इन हाथों ने जो कारगिल का युद्ध लड़ा है तो आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से और अपने देश के देशवासियों से ये गुहार लगा रहा हूं कि मेरी मदद करो, क्योंकि आज मेरी इतना बड़ा अपमान हुआ है, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे लड़ने में मदद करेंगे मेरे देशवासियों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी,